चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। पिछले क्लास तक हमने क्या पढ़ा था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नॉन होमोजेनियस पढ़ा था। हालांकि वो सब सैम टू के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो SKMU से कर रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके सिलेबस में है। BBMKU और VVU के सैम टू के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके सैम टू के सिलेबस में भी है, और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग बर्नौली भी पढ़ेंगे, है ना, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्लास 12th में कुछ पढ़ा होगा लीनियर के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, तो कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा आपने कि dy by dx plus py is equal to q, इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था क्या कहलाता था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता था, इसका सॉल्यूशंस, अगर जनरल सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। कुछ याद आ रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e to the power PdX होता था। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता था y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये याद है कुछ, है ना, क्लास 12th तक आपने पढ़ा था कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस लीनियर से हम यहाँ जो p का जो वैल्यू होता था, वो आपको पता है कि p क्या होता था, फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा, बस दो ही चीज़, या तो फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट। उसके बाद इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद जिसका जनरल सॉल्यूशन जो होता था, वो होता था ये वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू IF dx। समझ में आई ये बात, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन ये ऐसा क्यों, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट, ये इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाता है, इसके बाद ये आखिर है क्या, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डीपली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला लिखना शुरू करेंगे हम लोग, और लिखेंगे क्या कि आखिर ये है क्या, क्लियर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट आखिर सॉल्यूशंस क्या कैसे कहलाता है, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये लिखना है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py इज इक्वल टू q, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कॉन्स्टेंट। ठीक है, बट अच्छा ब्रैकेट में कर दिए, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा, क्लियर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, हालांकि मैंने स्टार्टिंग के क्लास में ही बता रखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, क्लियर। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते हैं हम लोग, अच्छा जहाँ पे क्या लिखे, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट में लिखिए कि यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकता, है ना, तो क्या लिखेंगे, बट नॉट फंक्शन ऑफ y, बट नॉट फंक्शन ऑफ y, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बट नॉट फंक्शन ऑफ y, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, लिखिए इज सैड टू बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इज सैड टू बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फिर से फंक्शन ऑफ y के बाद फंक्शन ऑफ y, बट नॉट फंक्शन ऑफ y के बाद ब्रैकेट क्लोज किए उसको, हाँ फिर लिखना था इज सैड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आपको पता है कि ये अगर क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा तो हम डायरेक्ट लिखते थे क्या, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख देते थे कि इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है, क्लियर। अच्छा, इस अब यहाँ जो आपने समझा कि इसका सॉल्यूशन ये होता है, 12th तक सीखे थे, क्लियर। अब थोड़ा सा देखिए, एक चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था, अब बताइए अगर x dy - y dx रहे इक्वल टू 0 रहे, ये एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसको बोला जाए कि आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या करेंगे आप, सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल, कैसे करेंगे,
कुछ इस तरीके से x dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y dx हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा dy के साथ वो नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा dx अपॉन x, फिर इसके बाद यहाँ log x log y log x प्लस log c, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि आप वेरिएबल सेपरेबल यूज ना करें उसके बाद सॉल्व करें तब फिर क्या होगा विदाउट वेरिएबल सेपरेबल, ये सब तो क्लियर है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हमने फर्स्ट क्लास में इसीलिए हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं है ना, हालांकि सिलेबस में नहीं था फिर भी डिस्कस करने का मतलब यही है कि जब आगे कहीं पे भी जरूरत पड़ेगा वेरिएबल का या होमोजीनियस का या लीनियर का तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, अब अगर बोला जाए सॉल्व करने के लिए तब आप नहीं कर सकते, तो अगर हम यहाँ पे एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड और वो टर्म होगा एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, समझ में, अगर हम इस टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा और ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये डिफ्रेंसिएशन है किसका वाई अपॉन एक्स का, ठीक है। तो आप लोग ये कोसेंट रूल तो पढ़े होंगे डी ऑफ अगर वाई अपॉन या यू बाई वी पढ़े थे आप लोग ट्वेल्थ में, तो क्या होता था हम लोग यहाँ पे वी को रखते थे फिर यू का डिफ्रेंसिएशन फिर माइनस करके इस तरीके से, तो क्या वही चीज़ आ रहा है क्या, देखिए तो एक्स को रखे वाई का डिफ्रेंसिएशन, देखिए तो ये चीज़ है एक्स को रखे वाई का डिफ्रेंसिएशन फिर वाई को रखे एक्स का डिफ्रेंसिएशन नीचे में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं और इधर क्या है आपका जीरो का जीरो मल्टीप्लाई वही हो गया। अब आपको पता है कि जब आपको पता है कि अगर इसका सॉल्यूशन लाना है मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाने का मतलब इंटीग्रेट करना, और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये होगा सॉल्यूशन। और अगर यहाँ से भी आंसर आप लेकर आते हैं तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा लॉग वाई लॉग एक्स लॉग सी, यही ना, ये इधर आ गया तो क्या होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब क्या लॉग लॉग वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लॉग सी, लॉग लॉग कैंसल वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा, तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वन बाई एक्स स्क्वायर क्या कहलाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये एक ऐसा फैक्टर है। हेलो जी नहीं नहीं वहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऐप में ये करना एक्सेस करना होगा, ठीक है आप व्हाट्सएप कर दीजिए हम बता देते हैं, अभी थोड़ा सा क्लास चल रहा है, ठीक। चलिए तो ये कुछ समझ में आया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या कहलाया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक उसी प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक टर्म्स आता है और वो टर्म्स होता है ये e टू द पावर पी डी एक्स, ठीक है, और ये चीज़ कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस चीज़ के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं इस टर्म से इस दोनों साइड को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है, और जो रिजल्ट आता है रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट याद रखे थे ट्वेल्थ में और रिजल्ट आता है ये। कुछ समझ में आ रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन था हमने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट है उसको इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन का क्या रिवर्स प्रोसेस होता है, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन करके बनाए रहते हैं, अब वहाँ से अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस सॉल्यूशन पहुँचेंगे। समझ में आ रहा कुछ, जो फर्स्ट क्लास अगर देखे होंगे तब तो क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या बात हो रहा है ना। तो वही चीज़ है, ये टर्म्स क्या कराता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे इस टर्म से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा ये आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। चलिए लिखिए, तो जहाँ तक अभी तक लिखे हैं लिखिए, वी मल्टीप्लाई या लिखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशन कैन बी फाउंड एज फॉलोज, कैन बी फाउंड एज फॉलोज, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाइंड एज फॉलोज, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखिए वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अच्छा इससे पहले जो हमने लिखा था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू जो क्यू लिखा था उसको आप रिलेशन नंबर वन मान दीजिए। जैसे कि नहीं 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 डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जो हमने लिखा था ना शुरुआत में एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म उसको मान दीजिए रिलेशन नंबर वन। नहीं नहीं फर्स्ट स्टार्टिंग में ही जहाँ पे हमने लिखा है
कहाँ पे लिखा था आपने dy by dx लिखा था, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py, वहीं पे आप उसको वन मान दीजिए, ठीक है। हाँ, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वन, इक्वेशन वन बाय ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स बाय ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई कीजिए टोटल को, या लिखिए डायरेक्ट, देन इक्वेशन वन बिकम्स, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, हाँ लिखिए, देन इक्वेशन वन बिकम्स क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन वन दिखे तो, इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये समझ में आया यहाँ तक, क्या किए, फर्स्ट टर्म था मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म था ये पी वाई था पहले से, ये मल्टीप्लाई किया, क्यू था मल्टीप्लाई किया। अब देखिए पता है आपको, ये रिजल्ट जो है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ, डायरेक्ट हम इस चीज़ को लिखते हैं वाई इंटू क्या है ई टू द पावर पी डी एक्स, अच्छा एक प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, प्रिमिटिव क्या होता है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं एक्स इस तरीके से 2x और ये है एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो इस चीज को क्या कहेंगे कि इसका प्रिमिटिव है ये, समझ में 2x का प्रिमिटिव कौन है, तो इस चीज का, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस चीज़ का प्रिमिटिव पता है कौन है, प्रिमिटिव कहने का मतलब कि ये किससे बना है, किसके डिफरेंशिएशन करने से बना है, तो वो ये टर्म्स है, कुछ समझ में, फिर से यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करने से क्या बना, तो इस टर्म्स का प्रिमिटिव कौन है, एक्स स्क्वायर, मतलब समझ में ये टर्म बना किससे डिफरेंशिएशन करने से, तो ये इसका प्रिमिटिव कहलाएगा, क्लियर बात। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चीज़ है इसका मतलब, इस चीज़ का प्रिमिटिव ये है y into e to the power pdx, क्लियर। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इस टर्म को रख दिए यहाँ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन किए, क्लियर बात। अब क्या करना है हमें, किसको रखेंगे, y को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो y को रखें, और उसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार तो एज अ टीज रह जाना है, क्लियर, और एज अ टीज रहने के बाद फिर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन तो है, इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पी, तो सिर्फ बचा है पी, फिर से समझे, क्लियर हुआ, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए क्या बात था, यहाँ पे दो टर्म था वाई, वाई सबसे पहले इस टर्म्स को हम लोग रखें, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद क्या किए, अभी हम वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब हम वाई को रख देते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहना है, क्लियर ना, तो ई टू द पावर एक्स की जगह पर ये टर्म्स है, तो सबसे पहला उसका डिफरेंशिएशन वही हो गया, और फिर हम चैन रूल के अकॉर्डिंग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन चूंकि रिवर्स प्रोसेस है तो वो तो कैंसिल आउट, और फिर फाइनल क्या बचा पी, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ समझ में आया, तो ये चीज़ इसका प्रिमिटिव है। और अब हम थोड़ा सा और करते हैं, लिखिए दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से डी ऑफ वाई ई टू द पावर पी डी एक्स, और इधर क्या क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स क्या हुआ, ये वाला ऑपरेटर जो है नीचे का dx है जो उस साइड क्या, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा यहां से इंटीग्रेटिंग करने के बाद बताइए, y इंटू ई टू द पावर ये मिलेगा, चूंकि देखिए ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन ही तो है d के साथ, ये पूरा ऑपरेटर है। अच्छा एक बात आपको यहाँ पे हम बताएं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, या फिर आप इससे पहले ही पढ़े थे m डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये क्या था पता है कुछ, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म शुरुआत में ही बताए थे। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है, इसका है ही नहीं, कहाँ है, किसी के रिस्पेक्ट में दिख रहा है क्या, एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये आर्बिट्ररी टर्म्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है,
आप चाहें तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डी टी, यहाँ पे भी डी टी, डी टी डी टी गया उधर जीरो, या फिर आप चाहें तो वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए वाई वाई, सॉरी वाई तो है ही वाई जी वन हो जाएगा, कोई हम जेड के टर्म्स में कीजिए जेड फिर डी जेड, डी जेड जीरो, समझ में आ रहा बात। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे भी रखते हैं कि ये आर्बिट्री टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्लियर। तो सेम वही चीज़ ये क्या है डी और इसके इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, बचेगा क्या ये टर्म्स, तो इधर बचे ये टर्म्स, और उस साइड क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, समझ में आया। तो ये आपका हो गया क्या जनरल सॉल्यूशंस, समझ में आया। क्लास 11th में हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को ये कहते थे कि ये उसका सॉल्यूशंस होता था। अब आपको एक बात और पता है कि हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला अगर आपको याद है क्लास 12th का, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे शुरू में ही कॉन्स्टेंट यूज करते थे, याद है y into if is equal to integration q into if plus c, that plus c क्यों लिखते थे, क्योंकि हम एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं तो कॉन्स्टेंट देना होगा, तो समझ में आया। यहाँ तक लिख लीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग लगता है c, तो इंटीग्रेटिंग का साइन तो हट जाता है, नहीं तो यहाँ पे हटा, तो देखिए अगर आप ऑन इंटीग्रेटिंग v गेट तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, देखिए इंटीग्रेशन होगा तब तो ये y into e to the power p dx, ठीक है, और इधर क्या, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, तो ये साइन हट रहा है, इधर का साइन तो हट रहा है ना, दोबारा इंटीग्रेशन करना, ये देखिए हम बोथ साइड इंटीग्रेशन के, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से d ऑफ y टू द पावर p dx है, और इस साइड क्या है आपका q इंटू ई टू द पावर p dx है, हाँ दोनों हैं, हम क्या किया बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। अब आपको पता है जब इधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये तो हट जाना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट बचेगा ये, तो यहाँ से इंटीग्रेशन जब हट रहा है तो कांस्टेंट तो देना होगा, हाँ तो वो सी हम इधर ना देकर इस साइड दे रहे हैं, बात समझ में आए। आपको पता है अगर इधर देते तो प्लस सी होता और उधर जाता तो क्या होता माइनस सी, माइनस सी भी एक कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी, अब समझ में आया नहीं आया, थोड़ा फिर से लेफ्ट साइड, हाँ पूछिए लेफ्ट साइड जब इंटीग्रेशन हटा था राइट साइड वाला नहीं हटा, क्योंकि आप यहाँ पे आपको पता है क्यू क्या है, नहीं पता क्यू फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, तो हमें नहीं पता इसके बारे में अभी ये, हाँ जब हम जब क्वेश्चन करेंगे, अभी तो ये सब मेथड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्यू का वैल्यू रहेगा और क्यू का वैल्यू रहेगा तो फिर हम आंसर लेंगे, ये समझिए एक फॉर्मूला जैसा हो गया, क्लियर। चलो तो ये क्लियर हुआ, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट डायरेक्ट ये लिखिए वाई इंटू ई टू द पावर दिस इंटू फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू दिस प्लस सी, क्लियर। चलिए नोट करके नीचे लिख दीजिए, लिखिए नोट करके, इतना कुछ टेंशन नहीं लेना, ये सब तो ये है कि आया कहाँ से, अब लिखिए नोट करके फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन एबव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया y into if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if, इंटीग्रेशन ऑफ q into if फिर प्लस c, हाँ ये ऐसे है ना, y into if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f कैपिटल, हाँ हेलो, हाँ अच्छा वो लोग आई है क्या, तो पढ़ाओ बुक ला दे हम, अच्छा ठीक है आजकल में हम बुक ला दें, ठीक उन लोगों को कल या परसों से बोल दे टाइम, ठीक ला दें, ये समझ में आया। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए तो अच्छा नीचे एक लाइन लिख देंगे वेयर, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिख करके आई एफ ही लिखना था ना, वेयर आई एफ इक्वल टू लिख दीजिए, वेयर आई एफ इक्वल टू क्या होता है ये समझ में आए। चलिए इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग, हाँ
हो गया गौतम। चलिए देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए अभी अगर हम लोग एक ओवरव्यू बात करें छोटा सा, कि अभी तक हमने पढ़ा क्या, अभी तक हमने पढ़ा कि dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू अगर q रहे, जहाँ पे p फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा, बस दो ही चीज़। और तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हम बताए हैं शुरुआत की क्लास में, तो अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर पी डी एक्स। बस इतना ही हमने पढ़ा। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है, याद हो गया, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी। क्लियर बात। अब हम लोग क्वेश्चन करें, चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लिखिए यहाँ से। चलिए हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। ये जो शायद ट्वेल्थ का है, आप लोग बना भी सकते हैं, है ना। देखिए तो सॉल्व dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू। बनाइए इसको, एक बात पता है, यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर कहीं पे dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये y के लिनियर। हाँ, कैसे y के लिनियर कह सकते हैं, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, कि डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, y का हो रहा है, और यहाँ पे p के साथ कौन है, y है, समझ में। डिफ्रेंशिएशन मतलब जिसका हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, ये हम बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेकंड क्लास में, समझे। आप तो देखे होंगे अंकित, है ना। तो ये अपना क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, ये भी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन वाई कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, हेयर पी का वैल्यू कितना है जी गौतम, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि y का जो कॉफिशियंट होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो p कहलाता है। तो यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 by x ना, ठीक। और q is equal to क्या है, क्लियर। देखिए हमने वहां लिखा भी था कि p होगा फंक्शन ऑफ x और q भी होगा फंक्शन ऑफ x या फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x मिला। तो देयरफॉर आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू आई एफ, जिसमें लीनियर रहे वो, ध्यान रखना है ये y में लीनियर था तो y है, अगर कोई z में लीनियर होगा तो z होगा। तो यहाँ y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन सबसे पहले आई एफ निकालना होगा, तो देयर फॉर लिखेंगे आई एफ इज इक्वल टू, हम क्या जान रहे हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यही जानते हैं। अब इसका वैल्यू निकालिए, e के जगह e रहने दीजिए, p की जगह पे जो आपका वैल्यू है 1 बाई एक्स डी एक्स। अब आपको पता है e इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है सिर्फ, आपको पता है ना ये, तो फाइनली क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, यही होता है ना, हमने आई एफ निकाल लिया है। तो अब चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज वाई की जगह पे तो वाई रह गया, इंटीग्रेशन की जगह पे ये क्या हो गया, एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या है वैल्यू, एक्स टू द पावर थ्री, देखिए, और आई एफ की जगह पे एक्स, और यहाँ पे क्या डी एक्स, और ये प्लस सी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई रह गया दैट इज, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी, देखिए x टू द पावर 4 होगा,
इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/5, तो विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो ये हमने समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। बात क्लियर हुआ? चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम लिखिए, ये नोट करने कर लीजिए जल्दी से। हाँ, लिखिए। कंप्लीट हुआ? चलिए लिखिए, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, है ना। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए, कहाँ गया जी, लिखिए। सॉल्व dy वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लिखिए। सॉल्व dy वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, dy वाई बाई डी एक्स क्या था जी क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, हाँ, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करें, लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे। तो लैंग्वेज में फर्स्ट लाइन यही लिखना है कि क्या है, ये भी लीनियर किसमें है, लीनियर इन वाई। तो लिख देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन वाई, और लिखेंगे सॉल्यूशंस में इसके बाद कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन वाई एंड हेयर P इज इक्वल टू क्या है जी, एंड Q इज इक्वल टू, ठीक है, देयर फोर आई एफ क्या होगा, डायरेक्ट बताइए, इंटीग्रेशन P की जगह डायरेक्ट वैल्यू रखें, क्या आएगा वैल्यू, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई टू, क्लियर। देयर फोर दिस जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, आई एफ की जगह दैट वैल्यू रखें, e टू द पावर x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन q, q की जगह x क्यूब इंटू क्या, इंटू द x स्क्वायर बाई टू, यही ना, x स्क्वायर, इसको सही से लिख दीजिए, x स्क्वायर बाई टू, क्लियर, प्लस c। अब बताइए ये तो ठीक है, इधर इंटीग्रेशन नहीं करना है, इधर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन होगा, यही मेन है, इसमें कुछ नहीं होता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आप निकाल लेंगे, उसके बाद मेन काम जो होता है वो इंटीग्रेशन ही होता है लीनियर में, क्या आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन हुआ आपसे, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, सोच कर देखिए थोड़ा सा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग। और ये जो है ना, ये फॉर्मेट अभी बहुत आने वाला है, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा लगभग, एक दो क्वेश्चन छोड़कर, तो ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हाँ आईलेट, आईलेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि जब आप इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो देखिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको, चलिए देखिए इसको हम बताते हैं, इधर तो टच भी नहीं करना है आपको, एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर पूरा कबाई में टू है, क्लियर। अब इधर अगर हम ऐसा लिख दें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर
एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। क्लियर। अब देखिए फायदा क्या होगा, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मान दें तो फाइनल एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू देखे थे यहाँ से पुट करते हैं हम लोग, पुट एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी, तो क्या आएगा आपको पता है कभी भी पुट करेंगे तो हम लोग क्या आएगा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यस यस, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स, टू एक्स अपॉन टू, तो टू टू कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा एक्स, और इधर क्या होगा समझ में, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ से हम एक चीज छोड़ रहे थे, फिर से देखिए क्या किया हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई टू को क्या मान दिए टी मान दे रहे हैं, इसको जैसे ही टी मानेंगे तो आपको पता है कि हम जब भी सब्सिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और टू और ऊपर का नीचे का टू कैंसिल आउट, बचा क्या एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ से अब डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डी टी समझ में आइए, ये इधर आ गया तो डी टी बाई एक्स, क्लियर हो गया बात। अब जैसे ही देखिए फायदा क्या हुआ, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा टू टी, समझ में आया कैसे, यहाँ पे तो आप ठीक है यहाँ पे आप क्या रख देंगे टी रख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रख देंगे टू टी, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर से वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आप चाहें तो दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टी, ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए अब क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट इधर y इंटू ई टू द पावर, आप चाहें तो यहाँ भी t लिख सकते हैं, t ही रहने दें क्योंकि सब्सिट्यूट कर चुके हैं, या फिर डायरेक्ट जो आंसर में हमें चाहिए यही रहने दीजिए क्योंकि हम इधर इंटीग्रेशन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा 2t टी इंटू एक्स, फिर क्या e टू द पावर t, फिर आपका क्या डी एक्स नहीं डी टी बाई एक्स, डी एक्स का वैल्यू पुट किए, बात समझ में। अब देखिए यहाँ से x और x कैंसल आउट, फाइनली क्या बचा इधर आपका बचा y e टू द पावर x स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन टू बाहर कर दिए क्या है t इंटू ई टू द पावर t डी टी प्लस सी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, y e टू द पावर x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू, इसको हम i मान दें क्या, या फिर i नहीं भी मान सकते हैं आप डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाइए, आई लेट पता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, जब हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल पढ़े थे यू इंटू भी, इंटीग्रेशन में क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता था, तो क्या होता था फॉर्मूला कुछ याद है हम लिखे इसको मिटा दे क्या, चलिए यहाँ पे लिख देते इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला, यहाँ दिख रहा है कैमरे में, अगर यू इंटू भी रहे तो क्या होता था, अगर u फर्स्ट फंक्शन, ध्यान रखना है इसमें फर्स्ट सेकंड की बात होती है, आईलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करते हैं, तो क्या होता था फॉर्मूला बताइए, सबसे पहले क्या करते थे हम लोग फर्स्ट फंक्शन जो है उसको क्या कर दिए u dx, फर्स्ट फंक्शन को रखे और फिर सेकंड को क्या करते थे इंटीग्रेशन, फिर क्या माइनस, फिर जिसको रखे थे पहले इंटीग्रेशन का साइन, फिर जिसको रखे थे उसका क्या डिफरेंशिएशन, मतलब u का डैश डिफरेंशिएशन, फिर जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर अगेन इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, कुछ याद आया, फिर से देखिए फॉर्मूला क्या था, पहला जो फंक्शन है उसको रखे दूसरा का इंटीग्रेशन, समझिए याद कैसे किए, पहला को रखे दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको रखे थे उसका डिफरेंशिएशन और जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन और होल टू द इंटीग्रेशन, बात समझ में आया, याद हुआ, फिर से देखिए क्या किए, पहला को रखे दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला को रखे दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर क्या जिसको रखे थे उसका डिफरेंशिएशन और जिसका इंटीग्रेशन किए थे फिर से इंटीग्रेशन और पूरा होल का इंटीग्रेशन, तो देखिए तो यहाँ पे आईलेट के हिसाब से आईलेट पता है, आईलेट देखिए आईलेट क्या कहता था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फिर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल अब यहाँ बात है तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, मतलब ये सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फर्स्ट पहले है तो अलजेब्रिक फर्स्ट, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा तो क्या रखेंगे हम लोग टी को रखें, इसका क्या इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर टी ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, इसको रखें इसका इंटीग्रेशन फिर क्या माइनस जिसको रखे थे उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, फिर जिसका इंटीग्रेशन कहते फिर से इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, फिर होल का इंटीग्रेशन, कुछ समझ में आया,
यहाँ पे दो स्टेप तीन स्टेप हम छोड़ रहे हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन का सैम्पल करना था, हम डायरेक्ट करके लिख रहे हैं। और यहाँ पे भी आप चाहें तो देखिए, टू रह गया एज इट इज, यहाँ पे टी रह गया और फिर ई टू द पावर टी हो गया, और फिर माइनस क्या है, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन है तो क्या रहेगा, और प्लस बाहर में सी। अब देखिए यहाँ से अगर कॉमन करना चाहें आप तो क्या आएगा, तो क्या आएगा टी माइनस वन ई टू द पावर टी, और इधर पे क्या सी, और इधर पे आपका क्या है वाई इंटू ई टू द पावर टी ही। चलिए रहने देते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट शुरू से कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, चाहे जो भी है रहने दीजिए इसको। हाँ आपका जो आंसर तो करना ही होगा जो वैल्यू, जैसे कि अब देखिए y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, टू रह गया, t के जगह पे क्या वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू यही था माइनस वन, यहाँ पे भी क्या ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब देखिए ये जैसे ही उधर जाएगा तो यहाँ पे तो कैंसिल कर देगा फिर, बट वहाँ पे क्या कर देगा, c के साथ हो जाएगा, या फिर आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर इस y को e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू को वहाँ छोड़ सकते, लेके जाएंगे। बात समझ में आया? हाँ तो वही यही तो है आंसर, क्लियर। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, समझ में आया? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये सीखने को मिला होगा कि हम लोग किस तरह से ब्रेक करके इंटीग्रेशन किए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। क्लियर हुआ ये टॉपिक? लिखिए जल्दी से, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ये फॉर्मूला आप साइड में लिख लेंगे, हाँ ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे। हो गया गौतम? पता है क्लास को रेगुलर करना होगा क्योंकि दिसंबर से हमको लगता है एग्जाम हो जाएगा,
एकदम 100% श्योर रहिए कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा दिसंबर तक। और अभी हाँ हाँ जी थर्ड का भी फोर दोनों हाँ हम वही सोच रहे हैं कि रियल एनालिसिस उधर शुरू करेंगे और इधर ये जो अल्टरनेट चल रहा है ऐसे। आप लोग तो ज़्यादा दूर से आते होंगे फिर आपका आपका तो 7 किलोमीटर है ना बस नहीं तो आप तो यहाँ हाँ 7-8 किलोमीटर होगा और क्या। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, उम्मीद है ये बन जाएगा आप लोगों से, तो हम लोग अगला टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे अगर बन जाएगा तब। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, मेन तो होता है इंटीग्रेशन ही करना, जो आपका इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स रहता है। देखिए क्वेश्चन है 1 + x² और डी वाई बाई डी एक्स इस प्लस एक्स वाई वन सेम वन। हेलो हाँ हाँ 10 बजे से क्लास है सेम वन का, नहीं ऐप में ऐड आपको किए हुए हैं आप देख लीजिए, और नहीं होता तो हम अभी ऐड कर देते हैं ठीक है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं हम कर दे रहे हैं अभी तुरंत कर रहे हैं ठीक। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं हम बताइए। पी इक्वल टू एक्स तो है ही नहीं, हमने क्या पढ़ा था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई सॉरी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स अकेले नहीं है, इसका कोफिशियंट 1 होना चाहिए था, बट कोफिशियंट ये है। तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरा पूरे टर्म्स को दोनों साइड को इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसका कोफिशियंट 1 बनाना है। तो क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स वी गेट, या ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 + x² वी गेट क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इधर, और यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू में वाई इज इक्वल टू 1/1 + x². अब देखिए तो बना क्या, हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग हाँ अच्छा हाँ नहीं 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 रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, वो भी वही चीज़ है जो अभी हम लाइव में पढ़ाएंगे। हाँ हाँ एकदम 100% सेम है, और उसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही मिल जाएगा है ना। हाँ हाँ नोट्स ऐप पे भी है, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन किए हुए हैं शायद। अच्छा अच्छा आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको ज्वाइन कर देते हैं वहाँ पर। टेलीग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अभी नहीं है, आगे होता है तो हम ऐड कर देंगे। हाँ अभी क्लास चल रहा है ठीक ठीक है। आप लोग का तो अभी स्टार्ट है ना जी सेम टू सेम फोर में करीब 40-50 बच्चे हैं, 50 अभी तो 51 हाँ सेम फोर हाँ जी आप लोग को नहीं दिए हैं यस सर तब दिए हैं पूछिए। अच्छा सर अभी ऑनलाइन हो रहा होगा। हाँ नहीं उसमें कहाँ, ये अभी तो सिर्फ अब रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभी जब तक कैमरा नहीं लेते तब तक कुछ नहीं हो रहा है। देखिए तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि विच इज लीनियर इन वाई लिख सकते हैं, विच इज लीनियर इन वाई। अब तो आप बताइए यहाँ पे पी क्या होगा, हेयर पी इक्वल टू क्या होगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देयर फोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, पी की जगह जो वैल्यू रखते हैं ई टू द पावर ये पी डी एक्स। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 + x अगर टी मान लेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, और 2x देखिए ऊपर में x है एक 2 बाहर चला जाएगा, बात समझ में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखिए तो डायरेक्ट लिख दे क्या
कि हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम लोग टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसका जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और इधर क्या होगा तो dt by dx, तो dx का वैल्यू कितना होगा dt by 2x है ना। अब देखिए हम डायरेक्ट इसको करते हैं क्या, e टू द पावर यहाँ पे क्या है जी x है, नीचे वाले को t मान दिए थे और dx के जगह पे क्या dt by 2x, x x कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचा 1 by 2 e टू द पावर 1 by 2 बाहर और 1 by t dt, देखिए 1 by 2 बाहर और 1 by t dt, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 1 by 2 log t, आपको पता है 1 by 2 पावर जो होता है एंगल का आगे, तो क्या होगा t का पावर 1 by 2, t का पावर 1 by 2 और log e एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचा t का पावर 1 by 2 मतलब क्या रूट t, क्योंकि t का पावर 1 by 2 मतलब ही तो रूट होता है, log एक्सपोनेंशियल log कैंसिल, फिर समझ में आया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया फाइनली, तो देयर फोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास रूट टी। सर एक मिनट, रिवर्स में चला जाएंगे तो फिर इसमें इफेक्ट हो रहा है, जैसे इंटीग्रल किए तो रिवर्स में 1 by 2 आया, 1 सेकंड जब आप log t पे पावर चढ़ा दिए तो ये आपको पता है जैसे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं log x टू द पावर अगर m रहे तो ये log का फॉर्मूला होता है कि पावर आगे आता है m इंटू log प्रॉपर्टी, हाँ तो जब पावर आगे आता है तो यही पावर एंगल पे भी जाता है, तो पावर 1 by 2 था तो ये t पे चला गया, समझ में आया। तो अब ये चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर गौतम, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू समथिंग, q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c, बन जाएगा क्वेश्चन, हाँ बन जाएगा। चलिए उतारिए जल्दी, आगे भी बहुत सारा भी टॉपिक देखना है हम लोग को। चलिए इसका हम लोग ना डायरेक्ट सॉल्यूशंस आपको बताते हैं, ये आप लोग को करना है इस टाइप का। देखिए अब मेन तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और इसके बाद हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशंस आप लोग को यहाँ लिखते हैं, और ये सब जो सब्स्टिट्यूशन है ना छोटा छोटा आपको डायरेक्ट खुद से भी करना होगा या रफ में करेंगे। तो देखिए इसका आंसर जो है वो हम आंसर लिखते हैं वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका इस सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, उम्मीद है आप लोग इसको बनाएंगे। और एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स है तो एग्जांपल्स के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, क्लियर करने हैं आपको, क्लियर, बुक तो होगा सबके पास, तो बुक के एग्जांपल्स के जितने प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से सारे प्रॉब्लम क्लियर करने हैं और कुछ एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम बनाने हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, क्लियर। इसके बाद फिर इसका आगे सॉल्व करना है, ये नीचे आया है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ लाए हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना सिर्फ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, निकालिए, हाँ निकालिए।